हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग कविता कुंजी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज कज्जू लोग, राजिया लोग और सुंदरी लोग अंदर कुछ लोग आए थे। आज उन लोगों ने होली मना ली और हम लोगों की होली है कल फतेहपुर में। तो थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आए थे ऐसे। फतेहपुर वाले तो कल खेलेंगे होली। दिन पहले वसुंधरा वाले होली मनाने आ गए, लेकिन फतेहपुर वालों का होली कल है। अब ये जॉब वाले हैं तो छुट्टी के दिन होली मना रहे। नहीं, हम कल मनाएंगे आराम से। कहाँ गए लोग सब लोग? पुलिस और बैंक वाले भी तो हमको पैसे की जरूरत नहीं होगी क्या? इनको कल खोलना पड़ेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब। आज सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे आधे लोग कल करेंगे। हाँ, एक दूसरे को लगाओ ना। ओ भाई, लगाओ मुझे को अभी। हनी, हैप्पी होली। इधर इधर मत करना पानी। मौसी ने तो रील भी बना ली, देख ली मैंने। अभी घर जाके करना। ऐसे बोल के कौन डालता है? वो तो भाग रहा है। अच्छा, इस बार इन लोगों का तीन टी-शर्ट वाला था, ये ट्राइबल लोगों का। हाँ, सेम फैमिली पूरी। सेम बेस्ट फ्रेंड। नो मनी नो हनी। हनी बाय बाय, कल मिलेंगे। कितना पानी है इसमें यार? वहां नहीं मिला, गिरा दो ना पूरा का पूरा। नहीं मिला पानी, बाहर नल है। बाय बाय। टीपी लोग, गुंजन लोग और ये संजय दीदी लोग आए थे थोड़ी देर के लिए होली मिलने। इन्होंने तो आज होली मना लिया है, हम लोग कल मनाएंगे। हाँ, यहाँ से हो जाएगा, बैग हो जाएगा। ओके बाय, मिलेंगे फिर। अच्छी के घर जा रहे हो? कलर ये देखो, टाइपलो होली खेल के आ गए हैं। इस बार इन लोगों का थीम था ये टी शर्ट। पूरी फैमिली ने टी शर्ट पहन रखा है। हैप्पी होली। हेलो, हैप्पी होली। हैप्पी होली बोलो। हैप्पी होली बोलो। ओके बाय। राम गंगरी, इसको अच्छे से फेटेंगे ना, तब जाके बढ़िया बंजी बनता है। एक कटोरे में भर के पानी ला दो। अरे बाल्टी टांग पर रख, अभी बना दो। अभी बना के रखूंगी, तभी तो कल क्या क्या करूंगी सुबह से। ये देखिए, ऐसे तैर गया, मतलब तैयार है बल्ले बनाने के लिए। बैटर थोड़ा सा और, ए दियो बना देती ना, ऐसे अच्छा नहीं बनता उतना बढ़िया।
पानी इधर से ही कल सुबह लेट हो जाएगा इसलिए मैं बड़े अभी बना रही हूँ। ये लोहे की कढ़ाई कोई समझ में नहीं आने वाला, थोड़ा बड़ा आंच करो तो थोड़ा सा जल्दी गर्म हो जाता, कम करो तो। ये है बैटर, अभी बना लूँगी तो सुबह थोड़ा सा टाइम से बन जाएगा। बल्ले बना लेती हूँ, चटनी बना के रखती हूँ, फिर सुबह बस परोसना ही परोसना रहेगा। हल्द्वानी में आधे लोगों की होली आज हो गई है, आधे लोगों की कल है, ऐसा तो होता है। फिर पता नहीं इस बार क्या है, हर त्यौहार दो दो दिन का पड़ रहा है, आधे दिन का एक दिन का, आधे दिन का एक दिन का। मार्केट साइड में तो आज सबने होली कर दी, कटघरिया में भी होली हो गई, बस फतेहपुर वालों ने कल रखा है होली, कल खेलेंगे हम लोग होली। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਨੇ ਸਾ ਡੰਮ ਹੀ ਮਸਾਂਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਪੰਨੇ ਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗੀ, ਅਤੇ ਛੰਨੀ ਵਾਲਾ ਸਾ ਤਾਂ ਡੰਮ ਹੀ ਮਸਾਂ ਪੰਨੇ ਓਲੋ ਜੈਨ ਓਲੋ ਲਈ ਗਰੀ ਹੋਲੀ ਥੀ ਆ ਕੱਲ ਚਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਗਾ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹੋਲੀ ਛਾਨਮ ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਛਾਨਮ ਚੀ ਤੰਗਚੀ ਜਿਸੇ ਬੜੇ ਤਲਕ ਤਾਤਾ ਬੰਖਰ ਡੀ ਲੇਕਿਨ ਲੋਗ जम में गए होली थी या जई मंगे होली नहीं सब बढ़िया ले चले इंसान मेंगे होली इन थोड़ी मेहनत का काम है यार, दिखता बड़ा सिंपल है लेकिन भाई गॉड बनाने में तो ये देखो अब दो पलटने में इतना टाइम लग रहा है कि पलट ही नहीं रहा, लेकिन स्पंजी अच्छे बने। फर्स्ट शिफ्ट में इतने बन गए, सेकंड शिफ्ट में बन रहे हैं। ये देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट स्पंजी जालेदार बने हुए, अच्छा बना हुआ है। अब कल जब पूरा कंप्लीट चटनी के साथ परोसूंगी तो और टेस्टी लगेगा। लास्ट लास्ट के दही बड़े और अच्छे बने हैं, बल्ले ना मैंने बहुत अच्छे से दोबारा मैं फेरती रही जितने देर मैं तल रही हूँ, और थोड़ा सा और पानी मिलाया मैंने, मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा था तो बहुत ही फ्लफी बन गया, अच्छे अच्छे लास्ट के दो शिफ्ट और मज़ेदार बन गए। बस बल्ले भी मैंने अब तल लिए हैं, अब पूजा करती हूँ और उसके बाद फिर रात का खाना बनाती हूँ, फिर लास्ट में चटनी बना के रख देती हूँ कल सुबह के लिए, तो मेरा काम काफ़ी ईजी हो जाएगा, सुबह जल्दी निपट जाऊँगी। देखते हैं जल्दी निपटती हूँ, फिर टाइम तो लग ही जाता कुछ ना कुछ बना बना के। ये बने हैं बल्ले लगते हैं, ये धरती ये नदियाँ ये रहना और तुम। ये मैंने चने की दाल भिगा रखी थी, उसको मैंने पकौड़ा बनाने के लिए वो किया है, पीसा है, एक बार एक ट्राई करती हूँ बाकी कल, अभी खाली एक दो ट्राई करने के लिए बना रही हूँ चने की दाल का पकौड़ा, देखने के लिए बस कैसा टेस्ट में बनेगा, इसमें कल क्या क्या मिलाऊंगी। कल मैं थोड़ा धनिया वनिया थोड़ा मसाला मिलाऊंगी, आज सिंपल खाली एक दो पीस तल रही हूँ जस्ट फ्राई। हम तुम कितने पास कितनी दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो। ये इतने बड़े बने हुए हैं, आधा किलो से भी कम दाल का बनाया मैंने ये।
ओके तो आज का ब्लॉग इतना ही है। शाम का टाइम हो गया, अब दिया जलाती हूँ, फिर खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो देखते रहे रविता गुंजी ब्लॉग, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। बाय बाय।